सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो में जानेंगे पेटीएम में आप किस प्रकार से एक नया अकाउंट बना सकते हो, अकाउंट बना के आप किस प्रकार से बैंक ऐड कर सकते हो, किस प्रकार से मनी ट्रांसफर कर सकते हो, फोन पे पे या पे किसी का भी के थ्रू आप से जो कि मनी ट्रांसफर कर सकते हो, प्लस आप किसी का मोबाइल नंबर के मतलब किसी का मोबाइल नंबर डाल के भी आप मनी किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हो, प्लस आप किसी का बैंक अकाउंट में भी अगर चाहते हो, बैंक अकाउंट में किसी का फोन पे गूगल पे नहीं है उसको क्या करना है, बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना है, तो आप अपना पेटीएम के थ्रू उसका सीधा बैंक में किस प्रकार से मनी ट्रांसफर कर सकते हो, कुल मिलाकर पूरा जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप 2020-21-22 का 23 का जो कि अलग तरीका था, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ गाइस बिल्कुल अलग है, क्योंकि धीरे धीरे जो कि अपडेट आ रहा है जो कि पेटीएम और कुछ नया फ्यूचर इसमें ऐड भी हो रहा है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में आज का वीडियो में जानेंगे। सो चलो चलते हैं मॉल का स्क्रीन पे, वहीं पर जानते हैं पूरा डिटेल में। सो गाइस, आ चुके हैं अपना मॉल का स्क्रीन पे। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेटीएम को आपको इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक वेट कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, उसका सिंपल से इसको ओपन करेंगे। तो जैसे मैं इसको ओपन कर दूंगा, उसका थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, जिस मोबाइल नंबर से आप इसमें अकाउंट बनाना चाहते हो। ठीक है, सिंपल से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो जैसे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे एलावा पे टैप कर लेना है। एलावा पे फिर से आपको यहाँ पे एलावा कर लेना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एलावा कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो कि एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे टैप कर लेना है। ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ पे जैसे मैं टैप करता हूँ, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ऑटोमेटिक जो कि ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि ऑटोमेटिक ओटीपी मेरे यहाँ पे ले लिया है गाइस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, कि आपको सबसे पहले जो कि बैंक अकाउंट ऐड करना है गाइस। ठीक है, तो बैंक अकाउंट किस प्रकार से ऐड करना है, उसका जो उसका आपको सिंपल से क्या करना है, कि यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे टैप कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप टैप कर दो गाइस, उसका आपको यहाँ पे जो कि नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे जैसे देख दो यूपीआई पेमेंट सेटिंग। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप टैप कर दो गाइस, उसका आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। सो गाइस, यहाँ पे जैसे देख दो सिलेक्ट योर बैंक, मतलब आपको जो भी बैंक अकाउंट लिंक करना है वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, केनरा बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं केनरा बैंक सिलेक्ट किया गया, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि कंफर्म कर रहा है कि मेरा जो कि बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सक्सेसफुली जो कि मेरा यहाँ पे जो बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है, यहाँ पे सिंपल सा ओके पे टैप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे मैं टैप करता हूँ गाइस, ठीक है, उसका थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ पे जो कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे लिंक हो चुका है गाइस। ठीक है, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हो केनरा बैंक मेरा यहाँ पे लिंक हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट पिन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल से सेट पिन पे टैप कर लेना है। सेट पिन पे जैसे मैं टैप करता हूँ गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि दो ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक आधार कार्ड, एक हो गया एटीएम कार्ड। ठीक है, तो आप चाहे तो आधार कार्ड से भी जो कि कर सकते हो, या फिर एटीएम कार्ड से। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से कर लेना। तो मेरे पास एटीएम कार्ड है तो मैं एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ। सिंपल से यहाँ पे प्रोसेस पे टैप कर लेना है। यहाँ पे जैसे टैप कर दोगे, उसका यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो कि देख सकते हो लास्ट सिक्स डिजिट डेबिट कार्ड, मतलब आपके एटीएम कार्ड का लास्ट में जो सिक्स डिजिट है और जो एटीएम कार्ड का जो नंबर रहता है उसका लास्ट सिक्स डिजिट आपको यहाँ पे डाल देना। उसका यहाँ पे जो कि आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पे डाल देना है। उसका सिंपल से यहाँ पे प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे फटाफट से मैं डाल लेता हूँ गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस पे टैप कर लेना। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोसेस पे टैप करता हूँ गाइस, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे बता रहा है। सो गाइस, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपका जो कि बैंक से ओटीपी आएगा, ओटीपी आप ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे डन पे टैप कर लेना है। ठीक है ना, सो गाइस यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि आपको बता रहा है जो सेट सिक्स डिजिट यहाँ पे यूपीआई पिन, मतलब आपको क्या करना है, अपना यूपीआई पिन आपको डाल लेना, जो भी आप यूपीआई पिन यहाँ पे जो रखना चाहते हो। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल लेता हूँ गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैं अपना यूपीआई पिन डाल दिया, उसका सिंपल से यहाँ पे टैप कर लेंगे। उसका यहाँ पे जैसे देख सकते हो कंफर्म यूपीआई पिन, मतलब जो आप यूपीआई पिन पहले डाले हो सिक्स डिजिट का, वही आपको फिर से कंफर्म करके डाल देना है। ठीक है, तो चलो मैं फिर से डाल लेता हूँ गाइस।
सो गाइस यहाँ पे मैं फिर से जो कि कंफर्म जो यूपीआई पिन डाल दिया उसका सिंपल सा यहाँ पे टैप कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे टैप करता हूँ गाइस उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि आपका यूपीआई पिन यहाँ पे जो कि सेट हो चुका है, ठीक है। उसका सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पे जो कि देख सकते हो चेक बैलेंस, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे चेक बैलेंस पर टैप कर लेंगे। चेक बैलेंस पर जैसे टैप करेंगे उसका आपको क्या करना है यूपीआई पिन डालना है जो यूपीआई पिन आप सेट किया गया, ठीक है। तो वही यूपीआई पिन आपको डाल देना। तो चलो मैं यूपीआई पिन डाल देता हूँ गाइस। सो गाइस मैं अपना यूपीआई पिन डाल दिया, उसका सिंपल से यहाँ पे टैप कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे टैप करता हूँ गाइस उसका थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे जो कि पूरा बैलेंस दिखा रहा है कि माइनस यहाँ पे 508 रुपये जो कि दिखा रहा है मेरा बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ पे आपको जो कि जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बात करते हैं कि यहाँ पे आपको इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, किसी को मनी ट्रांसफर करना है या फिर किसी को भी बैंक में पैसा भेजना है, किस प्रकार से भेज सकते हो। सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम बैक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बैक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है गाइस, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो कि स्कैम, मतलब आप यहाँ पे किसी को भी स्कैम मतलब क्यूआर करके यहाँ पे जो कि आप जो कि पैसा पे कर सकते हो। यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे जैसे आपको एलावा करना है, एलावा करने के बाद आप कोई भी शॉप पे जाते हो तो आपको स्कैम मिलता है। यहाँ पे आप किसी को भी यहाँ पे जैसे आप स्कैम करके आप किसी को भी मनी ट्रांसफर यहाँ पे आप कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ से जैसे बैक कर दो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हो टू मोबाइल नंबर, मतलब यहाँ पे जैसे टैप कर दो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जिसका भी मतलब पेटीएम नंबर है, ठीक है। तो मतलब जिसका पेटीएम अकाउंट है तो उसका पेटीएम नंबर डाल के आप यहाँ पे सीधा आप जो कि मनी ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब उसका सीधा अकाउंट पे चल जाएगा, ठीक है। तो आप ये हो गया आपका जो कि अपना मोबाइल नंबर से या यूपीआई आईडी से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पे जैसे टू यूपीआई आईडी, मतलब यहाँ पे जैसे हम टैप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है यूपीआई आईडी, मतलब आप यहाँ पे यूपीआई आईडी से यहाँ पे जो कि आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। मतलब फोनपे, गूगल पे या पेटीएम, मतलब कोई भी एप्लीकेशन का जो यूपीआई आईडी यहाँ पे आप डालोगे ना यहाँ पे जैसे देख सकते हो, तो सिंपल सा आप यहाँ पे कोई सा भी यूपीआई आईडी डालोगे, डालने के बाद आपको यहाँ पे जो कि मनी ट्रांसफर करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको जो कि यूपीआई आईडी डाल देना किसी का भी, ठीक है। फोनपे, गूगल पे या पेटीएम का यूपीआई आईडी डालोगे तो सीधा यहाँ से आप जो कि मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ बैक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है टू बैंक अकाउंट, मतलब आप किसी का अगर बैंक सीधा मनी ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल से आपको जो ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से क्या करना है इंटर योर यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल देना है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा बैंक में आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको सिंपल सा कोई सा बैंक सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल लेना, आई एफ सी कोड डालना है, उसके बाद आपको सिंपल से अमाउंट डाल के आप प्रोसेस कर लेना। यहाँ से भी आप जो कि मनी ट्रांसफर कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ बैक। उसके बाद रही बात यहाँ पे कैशबैक का, तो यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जैसे देख सकते हो पेटीएम वॉलेट हो गया, जैसे मैं यहाँ पे पेटीएम वॉलेट पे टैप करता हूँ गाइस। तो पेटीएम वॉलेट पे टैप करने के बाद थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा आपका पेटीएम वॉलेट। तो यहाँ पे पेटीएम वॉलेट का कुछ केवाईसी वगैरह करना पड़ता है, तो अभी तो फिलहाल ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगा कैशबैक ऑफर, यहाँ पे जैसे पे टैप करते हैं तो थोड़ा वेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो कि दिखाई दे कैशबैक मिला कुछ यहाँ पे आप निकली मिल, ठीक है। और रही बात आपको यहाँ पे और क्या करने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जैसे यहाँ देख सकते हो पेटीएम की तरफ से एक ऑफर भी है गाइज, यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं टैप कर दूँगा गाइज, ठीक है। पेटीएम की तरफ से ऑफर है तो यहाँ पे आपको जो कि 1000 यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं टैप करता हूँ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये चार कार्ड अगर आप क्लिक करोगे तो आपको 100 रुपया मिल जाएगा, ये चार कार्ड में 100 रुपया, ये चार कार्ड में 100 रुपया, चार कार्ड में 100 रुपया, ठीक है। 12 अगर 16 कार्ड आपका क्लियर हो जाता है आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा, कुल मिला के 1000 रुपया यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं टैप करता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो अभी एक भी कार्ड मेरा यहाँ पे क्लिक्ट नहीं है गाइस, ठीक है। कार्ड क्लियर करने के लिए सिंपल से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे जो कि पेमेंट करना पड़ेगा यूपीआई के थ्रू या फिर अपना वॉलेट में एड मनी करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हो बता रहा है किसी को पे करना है या फिर मोबाइल रिचार्ज करना है एड मनी अपने वॉलेट में, जो कि यहाँ पे कोई टिकट बुक वगैरह मोबाइल और यहाँ पे मोबी टिकट बुक, तो यहाँ पे आपको जो कि कैशबैक यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। मतलब ये जो है ये ओपन होगा तो आपको यहाँ पे कैशबैक मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका ऊपर मैं फुल डिटेल में वीडियो बना के रखा हूँ, अब जाके देख लेना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो कुछ इतना था गाइस, सो कैसे